सुप्रभात, नमस्कार। एही सुंदर सकाळ रे आमे एक सुंदर आलोच्य विषय वस्तु धरी अपेक्षा करिसंती आलोचना करिबा पई एवं मांक कृपा को आमे पाथ्य करी एको आलोचना करिबा को दिबा। एक अति मूल्यवान चमत्कार आलोच्य विषय वस्तु ताहा होउछि समस्तंक पई विधेय, समस्त जानिबा उचित, समस्त पालन करिबा उचित। टॉपिक टी नाम होउछि ब्रह्मचर्य। सो आमे ब्रह्मचर्य पालन करिबा, केमिति पालन करिबा, तार उद्देश्य कौन, लक्ष्य कौन, ता द्वारा सब कौन हित साधित हबो, ता सेही विषय रे आमे आलोचना करिबा को जिबा। अतएव आज आलोच्य विषय वस्तुर नाम होउछि ब्रह्मचर्य। तेणु ब्रह्मचर्य पालन बा आत्मसंयम होउछि आलोचनार विषय वस्तु। नॉर्मली आमे जानिछु आज जहाँ आम आलोचना करिबा ताहा बड़ चमत्कार आलोच्य विषय वस्तु, तार विषय रे सम्यक धारणा निहाती रहिबा दरकार। स्पेशियली आमे जेतेबेले ये समस्तंक पई केवल शिशु मानंक पई शिक्षा क्षेत्र रे नुहे, जेतेबेले आमे माने जेतेबेले जीवन रो वास्तवता को बुझु, जेतेबेले जीवन भीतर को आमे प्रवेश करू, ताहारो जेतेबेले योगी को साधनागत अनुभूति आमे पाऊ, सेतेबेले आमे जानु ब्रह्मचर्य एक निष्ठार सहित पालन करिबाक पड़िबो। ताहा अति उपादेय, कारण सी आम जीवन रे मूल्यवान जो दिव्यत्वर परिप्रकाश होगापी जाऊँ, आम जो लक्ष्य नहीं करूँ रूपातर अतिमानसीकरण तापाई निहाती दरकार। चैत्य सत्य आध्यात्मिक जीवन ये सब अखंड आत्मसंयम एवं ब्रह्मचर्य पालन ये निहाती दरकार। तेणु आम आलोच्य विषय वस्तु आज आम जहाँ आलोचना करुच्छू ता हूँ आत्मसंयम व ब्रह्मचर्य पालन। जेनेली आम जाचु आमर जीवन अधा अवधि को चारोटी भाग में विभक्त कराए। प्रथम हूँ ब्रह्मचर्य, द्वितीय हूँ गृहस्थ्य, तृतीय हूँ जतिव्रत, चतुर्थ हूँ सन्यास। आउ ये आश्रम को ये चारोटी आश्रम बोली कहुए। प्रत्येक आश्रम अवधि हूँ 25 वर्ष। नर्माली 100 वर्ष जो बचुला समय बर्तमान लाइफ स्पान बढ़िया आरंभ कले। एनिवे प्रथम 25 वर्ष को आम कहू ब्रह्मचर्य आश्रम बोलिक कहू। यही आश्रम कठोर श्रृंखलार सहित जीवन बचाक पड़े। यह छात्र जीवन आम कहीपर बाल्य शिक्षा आरंभ होता गुरुकूल जो आरंभ होता। प्रथम 5 वर्ष को शैशव काल रूपे धरा होता। 5 वर्ष पूर्ण होगा पिला बाल्य शिक्षापी प्रस्तुत होता। एथपाई ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने को तेणु यही सब जिन गृहस्थ जीवन को श्रृंखलित करने ब्रह्मचर्य जीवन एक प्रस्तुति पर्व, प्रिपेरेटरी स्टेज। जीवन में ब्रह्मचारी ज्ञान अर्जन करवा संगे संगे आत्मसंयम जो कौशल को आयत्तधीन करने तालीम दि जाऊला। जावतीय शिक्षार मूल में ब्रह्मचर्य को प्राधान्य दि जाऊला। ब्रह्म चरति इति ब्रह्मचर्य। तर सुंदर डेफिनेशन आपण मैंने संस्कृत में पाई। ब्रह्मरे विचरण करिबा, ब्रह्मशक्ति को धारण करिबा होउछि ब्रह्मचर्य। एहाको आमे ब्रह्म बा सत्यर चर्या बोलिकरि मध्ये कहि परिबा। सरल भावरे जदि एहि आचरण को आमे ब्रह्मचर्य बोलिकरि बुझि परिबा, शारीरिक, प्राणिक, मानसिक क्षेत्र रे ब्रह्मशक्ति को धारण करिबा को होउछि अन्य नाम होउछि ब्रह्मचर्य। तेणु आम जो भौतिक स्तर में रहतु से ब्रह्मशक्ति वीर्य रूप से प्रकाशित। यही वीर्य बा रेत को आम कौन प्रकार नष्ट नदेबाकु नदे नदेबा ही शारीरिक धर्म को अखंड भाव में पालन करवा। शरीर तेजस्वी बा ओजस्वी करने को ये शक्ति रे यही वीर्य रही। तेणु ब्रह्मशक्ति को अखंड भाव में धारण करें शरीर मध्य ब्रह्म विचरण करवा संभव हुए। अखंड भाव में धारण करने को शरीर में एक अभिनव सौंदर्य रूपे प्रकाशित हेब एवं नूतन शक्तिर अभिव्यक्ति शरीर पूर्णता निहाती आवश्यक बोली कहिबा। तापर शब्द आसी पहुँचुची अखंड ब्रह्मचर्य पालन करने द्वारा वीर्य शक्ति ऊर्धरे ऊर्धमुखी हो ओजहरे परिणत हुए। यह एक आध्यात्मिक शक्ति। सामान्य असतर्कता सचेतनता जो नष्ट हो जाए फल व्यक्ति दुर्बल हुए एवं कौन कर शारीरिक, प्राणिक, मानसिक भाव में तार जौन लिप्सा चरितार्थ करने द्वारा से शक्ति नष्ट हुए, से निम्नगामी होगा आरंभ करे। रेतर स्खलन द्वारा शरीर मन प्राणर शक्तिपुंज सहित संजोग रक्षा नक से शक्ति न हुए फल कार्य स्पृह रहे ना चेतन विभ्राट सृष्टि हुए। शारीरिक, प्राणिक, मानसिक क्षेत्र में नाना प्रकार विकृति देखा हुए। यही शक्ति को उच्चतर सत्य उपलब्धि करनियोग नक आम कौन करूँ नॉर्मली भिन्न बा नीच कार्य विनियोग करूँ जेणु आम जीवन अधपतन हुए। यही शक्तिर संचय द्वारा आध्यात्मिक मार्ग में तपशक्ति रूपे प्रकाशित हुए। आपण मैंने जानते बुद्ध आपण विवेकानंद कथा जानते थे जी स्खलन होता से टेक पीते तेणु ये जिनस मत जानते हैं कारण से शक्ति जिते थी आपंकर डार्जिलिंग आप स्पेडर गेज ऊर्धशक्ति से रहा।
ତେଣୁ ଏହି ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚୟ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ସାହସ ଏବଂ ବୀରତ୍ୱର ସହିତ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ଲଢ଼ି ଜୟଲାଭ କରିପାରେ। ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ତିଙ୍ଗ ଶିଖରକୁ ଚଢ଼ିପାରେ, ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରେ, ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରେ। ତେଣୁ ଏହି ମୃତ୍ୟୁଜୟୀ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତିକୁ ଭୌତିକ ଶରୀରରେ ଧାରଣ କରିବାର ଚେତନା କରିପାରିଲେ ଚେତନା ଉଦ୍ୟମ କି ହୋଇ ଅତିମାନସ ସ୍ତରକୁ ଗତି କରେ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷରେ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ, ସେ ଶକ୍ତି ଆମର ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଶୁଣିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯୌନ ସମ୍ଭୋଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗେଇ ଯିବା। ଏସବ୍ଦେ ଜୀବନ ସ୍ରୋତ ଧାଉଁଛି କିପରି, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଆଗକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଗୃହ ସାଧନା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅମରତ୍ୱର ଅଭିଳାଷୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକଙ୍କ ଭିତରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷିଦ୍ଧ ଥିଲା। ଯୌନକିଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଏକ ଉଣା ଅଧିକ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଅଚେତନା ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଯିବା, ଅପଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେବା। ଅତିମାନସ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯିଏ ଚାହେଁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ହେଉଛି, ତେବେ କେବେ ହେଲେ ଏହିପରି ବିଶ୍ରାମ ବା ଆରମ୍ଭ ବ୍ୟାହାନରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଚେତନାକୁ ଶୈଥିଲ୍ୟ ବା ଅଚେତନ ଭିତରେ ପତନ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଦୁର୍ବଳତା ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ବିଶ୍ରାମ ନ ଖୋଜି ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋକ ଭିତରେ ଖୋଜିବା। ଯେଉଁମାନେ ବିକାଶ ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଅଭିପ୍ସା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଯମ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ସୁପ୍ରମେଣ୍ଟାଲ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ସଂଯମ ନୁହେଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର। ଏହା ଅବଦମନ ବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଅନ୍ତଃ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଜନନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଉଥିବା ଶକ୍ତି ପ୍ରଗତି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମନପ୍ରାଣର ଚେତନାକୁ ଏକ ଭୌତିକ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମପ୍ରକାର ଯୌନ ବାସନା ଏବଂ ଯୌନ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ମୌଳିକ ରୂପାନ୍ତର ଭିତରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦରକାର। ଏନିୱେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଛାତ୍ରାବର୍ଷାରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଟିଚିଂ ଆରମ୍ଭ କରୁ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପିତାମାନେ ଯୌନ ସଂଯମ କାମଲିପ୍ସା ତଥା ଭୋଗଲିପ୍ସାକୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ ଆତ୍ମସଂଯମୀ ହେବା ଦରକାର। ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତଥା ପିତାମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରେ, କାରଣ ପିଲା ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଥାନ୍ତି। ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରୂପେ ସାଧନା କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ତପଶକ୍ତିର ଚାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମସଂଯମୀ କରାଇଥାନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ସଂଗମ ଅପେକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଭାବନା ରାଜ୍ୟରେ ଯୌନ ପିପାସକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ସିନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଦ ସିକ୍ରେଟ୍ କଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବଡି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ, ଏକ ତପସ୍ୟା। ତେଣୁ ଉପନିଷଦ କହୁଛି, ଆମେ ଉପନିଷଦ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ତପ ବ୍ରହ୍ମେତି ବ୍ୟଜନାଥ, ଅର୍ଥାତ୍ ତପ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ତପ ବ୍ରହ୍ମ। ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ବୀର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତପଶକ୍ତି। ତପଶକ୍ତି ଧାରଣ କରିବା ଏବଂ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରିବା ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ହେଉଛି ବୀର୍ଯ୍ୟ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ହେଉଛି ତପଶକ୍ତି, ଏହାକୁ ସୃଜନୀ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହିପରି ମହାନ ଶକ୍ତିଟି ରଜ ଏବଂ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ମିଳନରେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଏହି ଶକ୍ତିର କ୍ଷୟରେ ତପଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ହୁଏ, ବ୍ୟକ୍ତି ହୀନବର୍ଜ୍ୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ମହିଷାସୁରର ନିଧନ ଏହି ତପଶକ୍ତିର ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା ବୋଲିକରି ଆମେମାନେ ଶୁଣିଛୁ ଏବଂ ଜାଣିଛୁ। ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ତପଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରି ନିଜ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ରୂପାନ୍ତର କରିପାରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଯେଉଁ ବୀର୍ଯ୍ୟଟି ଶକ୍ତିଟି କ୍ଷୟ ହେଉଛି ତାହା ଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ରୂପାନ୍ତର କରାଯାଇପାରିବ। ସେହି ପରିବାହର ବିଧାନ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧାଗମୀ ପଥରେ ଏହା ଏକ ସ୍ଥୂଳ ଶକ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଏହି ବିଧାନଟି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ ପରାପ୍ରକୃତିଠାରେ ଅଛି। ବିଧାନର ଅପରା ପ୍ରକୃତିରେ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ସତ୍ତା ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ। ପରାପ୍ରକୃତିର ଏକ ବିକୃତି ରୂପ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ବା ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଭୌତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରଜ ଓ ବୀର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିରେ ଯଦି ପରିଣତ କରାଯାଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ରଜ ଏବଂ ବୀର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଜନନ ଦ୍ୱାରା ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାହା ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ତପସ୍ୱୀମାନେ ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରି ତେଜସ୍ୱୀ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବହୁ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ନଷ୍ଟ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ବୀର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଏହି ପ୍ରଜ୍ଞାଶକ୍ତି ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଶକ୍ତି। ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ, ଆଗ୍ରହ, ତେଜ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସହନଶୀଳତା, ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ଦୟା, କ୍ଷମା, ଗ୍ରହଣଶୀଳତା, ନମନୀୟତା, ଆନ୍ତରିକତା, ସାହସିକତା, ଏକାଗ୍ରତା, ଶୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ, ଆତ୍ମସ୍ୱର୍ଗ, ସମର୍ପଣ ଆଦି ଗୁଣ ସବୁ ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇଥାଏ।
क्षय हेले आसरिक प्रकृति सांको सबुजाक गलम हेसिथाए तेणु माँ सुंदर भाव में आमको कहवाकू चाहते जदि आम जो सब परिस्थिति में जो बड़े आम जो न भूली जा न भूल जा सेवा करें जीवन शक्ति तार अनंत शक्ति में परिणत हुए तार परिणत परवर्ती अवस्था आम आसे जो नेक्स्ट फेज को आम जो जाऊँ ताऊँच सुंदर जिनस आलोचना कथा मन प्राण शरीर अमृत रसायन व मोदक हूँ यही बीर्ज यह तरल एवं जल अवस्था रहे जल धर्म हूँ निम्न गति तेणु तरल अवस्था यह बीर्ज उत्तेजन निम्न को गति कैं नष्ट हो जाए जदि बीर्ज को ऊर्धगामी करूँ आम साधनार लक्ष्य जहाँ को लेकर आम जाऊँ परवर्त अवस्था श्री अरविंद भारी सुंदर भाव कौन पूर्ण प्रभुत्व और निवृत्ति निमित्त यथार्थ आध्यात्मिक प्रकाश में कौन क्षति करन करूना वर्तमान बहु यूरोपीय साधक जो प्रग्रगति साधक कथा कहते ताहा काम विरति जदि खाँटी हुए यथार्थ दिगरे जदि अग्रगति करे तेबे उपकारी हो पारे तेणु यही आध्यात्म शक्ति रूपे परिवर्तित होता है भारतीय ब्रह्मचर्यर यथार्थता प्रतिपादन करे तेणु डिफरेन्स करो क्षय आ संचय यूरोपियन कल्चर आउ भारतीय कल्चर भितर ब्रह्मचर्य एक व्रत एक कठोर व्रत यह व्रत पालन में सामान्य मात्र शिथिलतार प्रशय देवा अनुचित जौन प्रेरणा उपरे पूर्ण कर्तृत्व आणवाक पड़ो काम केन्द्र को निज नियंत्रण में रखा पड़ो कथा चिंता एपर आत्मसंजम रखा पड़ो ब्रह्मचर्य विज्ञान को पढ़ेगा एक दृढ़ व्यापार ये जीवन क्षेत्र में प्रयोग करने द्वारा एक उच्चतर शिक्षा दि जाए तेणु आमको अखंड भाव में ये ब्रह्मचक्र पालन करार आवश्यकता निहाती रही संदेह करपर नेक्स्ट फेज आसिक पहुँचुची आम जहाँ आम आलोचना करूँ बड़ा सुंदर आलोचना तापर ब्रह्मचर्य पालन करार जदि एक कठोर तपस्या तथापि माँ को आम आम अंतर कथा कहड़क जदि आम खोली धरवा तो सी आमको कूलाग्रता करेंगे कामना शक्ति प्रेम शक्ति रूपातरित करदे और जीवन प्रकृति में आम बढ़ी चल क्या सी प्रोब्लेमटा आमर नुहे आज नुहे ये प्रोब्लेमटा चली गतानुगतिक भाव में चली तेणु आम निज शक्ति अनेक समय करना ता जाचु नष्ट होविन साधक मानर अधिक समय विराट विराट जो मैंने ऋषि सन्यासी से प्रेरणा होने चेतनार निर्द तौल को जाती तेणु आमर काम होती आम लेवल न हुए सब भल हूँ आम दिव्य जननी के पाखे समर्पण करवा सत्य करवा कारण ये जुगर नियम जो कौन किसी निर्दिष्ट धराबंधा नियम ना गोटे नियम हूँ कौन एमती किसी कर ना जहाँ कुहना कर ना कि भावना जहाँ तुम्हें दिव्य जननी को लुचेब अतए जदि दिव्य जननी निजर माँ तुम कौन करवाक पड़ो निजी को देदेक पड़ो कहीदेक पड़ो सी सहायता सहायता नाक पड़ो जदि अहंवशत आम भावू आम बड़ी बहुत जाचु जो अहंकार वशवर्ती हूँ जानते जमी दुर्योधनर जो अवस्था थी गांधारी कहले स्नान करू स्नान करके आसी पहुँचबू जमी नग्न भाव में उल्लग्न होकर आसिक पहुँचे मोर शक्ति मो भर प्रयोग करी कितु पार्थक्य है कौन से भाविला निजुक मुझे बड़ हो तेणु निजर जो गुप्त अंशटा को लुचे घोड़ेक आसाला श्रीकृष्ण प्रवचन जो कि शक्ति गांधारी शक्ति मार शक्ति जाता कि सुरक्षा दे पारा ना कारण तार भितर से जो अंशटा जानु अंशटा दुर्बल रही है तेणु आत्मपरिपर्चन परिपूर्णतापाई ब्रह्मचर्य पालन अपरिहार्य एवं प्राथमिक पदक्षेप निश्चित भाव में आत्मपरिपूर्णतापाई प्राणर उद्दामता को शांत करवा ऊर्ध सत्य आड़ उन्मुक्त करेबार यह एक बलिष्ठ साधन जोग शक्ति को धारण करने को राजजोग पतंजलि जोगर प्रयोजन गुड़ी एड़ाई दि नजपे इनिशियाली सी मत साए खाद्य पानीय निद्रा विश्रम संयम रक्षा करवा आसन प्राणायाम ध्यान धारणा ब्रह्मचर्य पालन में सहायक होता है इनिशियाली साय कै प्राणिक एवं मानसिक संयम सकाशे श्रृंखलित जीवन जापन करवा उचित नैतिक शिक्षा ए क्षेत्र में सहायता फलप्रद होता है एक आदर्श एवं उच्चतर सत्य प्रति आंतरिक व शुद्ध आनुगत्य रहा उचित कारण ब्रह्मचर्य पालन एक दृढ़ इच्छा शक्ति जाग्रत करे मिले यही शिक्षार सफल रूपायन और प्रत्येक विद्यालय आवासीय क्षेत्र में जो स्कूल बांछनीय शिक्षक शिक्षयित्री मैंने निज आचरण से शुद्ध और पवित्र हो पारे पे अनुप्राणित होते कारण प्रथम अवस्था अलमोस्ट स्टूडे टीचर पाखे कटी थाए से माने जानिबा दरकार वी आर नॉट टीचर बट एक्चुअली टीचर्स ऑट टू बी योगी नथिंग कैन बी टॉट से बुझा दरकार मनुष्य मानकर आदर्श एवं जीवन प्रति को आदरी ने पाने से दिगरे अग्रगति करेंगे शुद्ध मुक्त भय कपट सुना परेश पालन कर मिथ्याचार छद्म रूप को खोलीदे से बाहरी जीवन